नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया आज अपने अल्प प्रवास पर गुना पहुंचे। यहां उन्होंने मीडियाजनों के भी कई सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वे प्रधानमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जुमलों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने इनके द्वारा की गई 12,000 घोषणाओं के बारे में भी यहां बात की। वहीं किसानों के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में अब जाकर भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आई है, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार से किसानों पर अत्याचार भी कर रही है। लगातार जो गुजरात में जो घटनाएं हुई कि ओबीसी उनके अधिकार को समाप्त करने की इनडायरेक्टली उनको जो है उनके जो अधिकार बंधारण से दिए गए वो तकारने की चेष्टा की गई, और उसके तहत गुजरात में ये अल्पेश ठाकुर जी का ओबीसी मंच जो है उसका जन्म हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश मैं आपके गुजरात की बात बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ। और वही परिस्थिति आज मध्य प्रदेश में है कि जहाँ ओबीसी और पिछड़ों वर्गों को लगातार उनके जो कुछ भी बंधारण के तौर पे भी अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी स्कॉलरशिप के जरिए उसकी शिक्षा को जो है बढ़ावा देना चाहिए, उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो सभी चीज को नकार दिया जा रहा है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से किसी को जो है कोई लाभ प्राप्त न हो। तो इनके साथ जो बड़े प्रमाण में छलना और ठगाई हो रही है वो यहाँ की पिछड़े वर्गों को भी जो है उसका एहसास हो गया है। तो स्वाभाविक तौर पे अल्पेश ठाकुर गुजरात में एक ओबीसी का लीडर के स्वरूप में उभरा हुआ है। पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, आम आदमी विरोधी नीति है, पिछड़ों ट्राइबल कृषक मजदूर उसकी विरोधी जो नीति है, उसके समर्थन में जो कोई भी उपयुक्त है उनका सब काम उपयोग करेंगे। आप जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, यहाँ जब नामांकन दाखिल हुआ तो आपने देखा होगा पूरा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहाँ उपस्थित था। उसके पहले भी जो है 19 तारीख को लास्ट 19 तारीख को प्रदेश में मीटिंग थी, उसमें भी सब उपस्थित थे और बड़ी एकता से चल रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं उसमें ज्योतिरादित्य जी हों या कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों और कोई भी नेता हो, सब लोग जो है वो सब मैच्योर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के तहत नहीं है। कि जहाँ आज भी जो है शिवराज को हटाने के लिए यहाँ मुंगावली और कोलारस में जो है वो लोग आज से उनके विरोधी प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री की विदा आसान हो जाए। किसान देखिए, ये शिवराज सिंह जी जो है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेके शिवराज जी सब जो है लगातार जुमले कर रहे हैं। पूरे देश की प्रजा ने वो जान दिया है, मध्य प्रदेश की प्रजा ने पिछले 15 साल में इनके 12,000 घोषणा देखी है। आज जब चुनाव आए तो उनको किसानों की याद आ रही है। बाकी किसान जो है अपने लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगने गए तो उसको गोली से भून दिया, अपने लिए न्याय मांगने गए तो उसको नंगे करके मारा और बाकी लोगों के पर झूठे मुकदमे लगा दिए। तो इनकी जो कुछ भी चेष्टा है उसको लोग नौटंकी से ज्यादा नहीं देखते हैं, उसको जो है इसकी छलना में कोई आने वाले नहीं है। मैं समझ रहा हूँ भैया, प्रदेश में और सब जगह पे कांग्रेस मुद्दा तो उठा रही है, मगर जो प्रकार से उसको अखबारों में स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उसकी वजह क्या है वो भी आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं। तो शराबबंदी का एजेंडा हमारे 2018 में बिक गए क्या, अखबार वाले बिक गए क्या? भैया मैं आई विल नॉट से दैट, मगर अखबारों के पर भी इतनी प्रताड़ना है, इतने शानदार दंड वेद से उसको जो है प्रताड़ित करने की, उसको डरा धमकाने की कोशिश करी जा रही है। न्याय तंत्र को भी आप देखते हैं डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, तो अखबार वाले तो उससे काफी छोटे हैं।